हुकूमत ने ऑपोजिशन से नैब में तरमीम के लिए राबते शुरू कर दिए हैं, ऐसा कहना है आप लोगों की जानिब से। लेकिन क्या अब जब हुकूमत के अपने वुजरा भी कुछ यूं रहा है कि नैब की गर्दिश में आने जा रहे हैं या नैब के शिकंजे में आने जा रहे हैं, तो इसलिए हुकूमत भी इस वक्त नैब कानून में तब्दीली के लिए एक्टिव नजर आ रही है? देखिए, मैं पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि एक ऑर्डिनेंस का एक टाइम पीरियड होता है, जब वो वक्त ख़त्म होता है तो ऑब्वियसली इसके हवाले से एक अलग कानून, एक कानून दोबारा से आना है। जब ये बात जेरे बहस आती है तो उसी वक्त आप कोशिश करते हैं कि अपोजिशन से भी रीच आउट करें और इस कानून में अगर भी कोई अमेंडमेंट होने वाली तो वो लाएं। दूसरी बात ये है कि ये बात अभी हम ज़हनी तौर पे इस बात को तय नहीं कर सकते कि ये क्या तरामीम आएंगी, ये आफ्टर डिस्कशन ही आएंगी। और जहाँ तक रहा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौका, वो ये है कि हम कभी भी किसी किस्म की, आप कह लें जो हमारे ऊपर आप कह लें सेल्फ एहतसाब से, हम पीछे नहीं हटते। हम बिल्कुल हर लिहाज से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और ये बड़ी बात वजाहत है, कोई भी चाहे ये शुगर या वीट क्राइसिस की बात थी, कोई भी रिपोर्ट थी, तो कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारी गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को होल्ड बैक नहीं किया, बल्कि पब्लिक की है। हालांकि आप पिछली हुकूमतें देख लें तो उसमें हमेशा अपने लोगों को वो प्रोटेक्ट करते थे या कोई ऐसे ही काम करते थे, तो हमने तो कोई बात नहीं की। हालांकि ये जब अब फोरेंसिक रिपोर्ट इसकी जब डिटेल्ड आएगी सही बात में तो वजाहत तब होगी, लेकिन जो भी अभी तक आया हमने कम अज़ कम आवाम के आगे रखा।